एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर के मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे। और आपका एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के मॉडल क्वेश्चंस बिना देर के स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हाइड्रोकार्बन का जो मॉडल क्वेश्चन होगा इसको दो वीडियो में मैं बांट दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा कवर आपका नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसके दो कैटेगरी, दो पार्ट में इसको वीडियो को मतलब मॉडल सेट को डिवाइड किया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, पहले मैं आता हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSATQ, तीनों सेट के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मैंने देखने के बाद एक चीज़ एनालाइज किया है कि वेरी, पहले तो ये जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन से आपका 1 मार्क्स से क्वेश्चन कंफर्म, 3 मार्क्स से क्वेश्चन कंफर्म, 5 मार्क्स से क्वेश्चन कंफर्म, यानी कि 9 मार्क्स से क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे चले जाएँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, लेकिन 9 नंबर तो 100% आना है, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये मैंने नोटिस किया कि जनरली तीनों सेट में है ना एक नॉमिनक्लेचर आपका दिया हुआ है, इसका मतलब आपको नॉमिनक्लेचर लिखने देगा ही देगा, ठीक है। तो जो पहला कंपाउंड है इसका नाम ही लिखने के लिए आपको दिया है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, कैसे करेंगे आपको IUPAC नेम का। मैंने बहुत डिटेल में OGOC में आपको समझाया है कि नॉमिनक्लेचर का क्या नियम होता है। नियम ये होता है कि सबसे पहले लंबा कार्बन चेन ढूंढिए, ठीक है। लंबा कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने यही है, ठीक है। अब लंबा कार्बन चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग वैसा करिए ताकि आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर पर मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 नंबर पर मिलेगा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया और इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल। कितने नंबर कार्बन पर है, 3 नंबर पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-methyl, 3-methyl 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है तो 1-ene, ठीक है, पेंट 1-ene, या फिर सिर्फ पेंटीन भी लिख सकते हैं आप, 3-methyl पेंटीन भी लिख सकते हैं, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला सेट, किसी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है कि ब्यूट 2-ene का आप सिस आइसोमर लिखिए, सिस। अब ये सिस और ट्रांस क्या होता है, पहले मैं ब्यूट 2-ene का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ब्यूट 2-ene का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, जरा आप देखिए ब्यूट 2-ene है या नहीं, ये मेथ 8 प्रो ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 2-ene। अब इसका सिस और ट्रांस क्या होता है, सिस और ट्रांस को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए सिस और ट्रांस में डिफरेंस क्या होता है, आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ढूंढिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल गया। अब इस कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, तो एक एच और एक CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप एच और CH3 ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाले में भी वही लगा हुआ है, एच और CH3, ठीक है, एच और CH3 ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए ये स्ट्रक्चर एक मैंने आपको आपके सामने ये बनाया, और इसी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर में ऐसे भी बना सकता था, CH3H, फिर यहां पे H और यहां पे CH3, ठीक है। देखिए मैंने इसी कंपाउंड का 2 स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया, इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, बोलेंगे कहां डिफरेंस है सर, बिल्कुल डिफरेंस है। यहां देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ग्रुप लगा हुआ है, और यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड में 2 सेम ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे सिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिस। और अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप लगा हुआ हो तो इसे ट्रांस कहा जाता है। तो दिस वन इज योर सिस ब्यूट 2-ene, ये आपका सिस ब्यूट 2-ene का स्ट्रक्चर हो गया, और दिस वन इज योर ट्रांस ब्यूट 2-ene, ब्यूट 2-ene दोनों है, बट ये आपका सीस आइसोमर हो गया और ये आपका ट्रांस आइसोमर हो गया। तो इसका मतलब आपको सीस और ट्रांस आइसोमर लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो सॉल्यूशन जो होगा मतलब इसका जो PDF होगा फिर से मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका एक नॉमिनक्लेचर ही है और उसका कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब इस कंपाउंड का भी नाम लिखना है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर का। अब देखिए इसमें लंबा कार्बन चेन ढूंढिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे कार्बन चेन दिखने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ये दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको साफ दिख रहा होगा ये आपका लंबा कार्बन चेन है, यहाँ से स्टार्ट करके
आप नीचे भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, मैं नीचे ही चला जाता हूँ। ये आपका लंबा कार्बन चेन है, ठीक है। दिस वन इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें 6 कार्बन शामिल है, ठीक है। आप उसके छोड़ के देख लीजिएगा, आपको सभी 5 कार्बन के चेन मिलेंगे। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप ऐसे भी जा सकते हैं, एक ही बात, पड़ा नीचे जाइए चाहे सीधा जाइए, ठीक। उसको छोड़ करके आपके सभी को कार्बन चेन 5 कार्बन की ही है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब नंबरिंग कैसा किया जाए, अब देखिए यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि मिथाइल, मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है ना। ये CH3, ये CH3, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 एक सब्स्टिट्यूएंट आपको 3 नंबर पर मिलेगा, 3, 4, 5 और एक आपको 5 पे मिलेगा। ऊपर से करने पर 1, 3 पर 1, 5 पे, 3 और 5 कितना होता है 8। मैंने आपको रूल सब समझा दिया, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2 एक 2 पर मिलेगा, 3, 4 एक 4 पर मिलेगा, 2 और 4 कितना होता है 6। तो नंबरिंग किधर से कम कर, जोड़ने पर किधर से कम नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे से कर रहे हैं तो 1, 2 और 1, 4 पर मिल रहा है यानी कि 6, और ऊपर से कर रहे हैं तो 1, 3 और 5 पर मिल रहा है यानी कि 8। नंबरिंग नीचे से कम नंबर पर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। अब आपका ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1, 2 पर है और 1, 4 पर है, इन दोनों को मिथाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथाइल। 1, 2 पर 1, 4 पर, तो क्या लिखेंगे, 2, 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का तीसरा नंबर। अब आता है वेरी शॉर्ट आंसर का चौथा नंबर, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिर से एक कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है CH3CH CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये भी पहला क्वेश्चन के एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके सामने स्ट्रेट है, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 4 पर मिथाइल है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4-methyl, 5 कार्बन का चेन, पेंट डबल बॉन्ड 1 नंबर पर, तो 1 पे इन हो जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4-methyl पेंट 1 इन, पहला वाला था 3-methyl पेंट 1 इन, यही हो गया 4-methyl पेंट 1 इन। देख रहे हैं कंपाउंड का नाम कितना सिमिलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 सेट है लेकिन क्वेश्चन 4 है, इससे पता चलता है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम में 1 नंबर के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल जाए। अब आता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। 3 मार्क्स से सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो, है ना, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके जो मैं PDF भेजूंगा उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। कंपाउंड का एरोमेटिक होने का क्या कंडीशन है, मैंने आपको क्लास में अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। देखिए मैं एग्जाम्पल बेंजीन को ले रहा हूँ क्योंकि बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और ये सारे एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ लिख दूंगा। देखिए 4 कंडीशन है एरोमेटिक होने का, 4 कंडीशन है एरोमेटिक होने का, और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके सेट में दिए हुए हैं, इसलिए एरोमेटिसिटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या क्या, पहला कंडीशन है कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक। पहला देखिए बेंजीन साइक्लिक है कि नहीं, साइकिल का मतलब होता है क्लोज चेन, क्लोज चेन है या नहीं। अगर क्लोज चेन नहीं है तो पहले ही कंडीशन फ्लॉप हो जाएगा और वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। अब आता है आपको मन में आ रहा होगा सर व्हाट इज प्लेनर। देखिए प्लेनर अगर आपको पहचानना है तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp हो या तो sp2 हो। अगर ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर है तो वो प्लेनर है, और अगर कहीं पे भी हाइब्रिडेशन आपको कार्बन का sp3 मिल गया तो वो प्लेनर नहीं होता है। बोलेंगे सर पहचानेंगे कैसे? आपको बॉन्डिंग चैप्टर में अच्छे तरीके से आता होगा, आपको ये पता होगा कि हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। अब जरा सा देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपको पता होगा ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है। और आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसी तरह से इस कार्बन का भी sp2, क्योंकि सब में सेम हाइड्रोजन, सेम डबल बॉन्ड, सब कुछ वही है, इसलिए हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अगर किसी एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 की जगह sp3 हो जाता है वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। sp या sp2 होना चाहिए, और इसी को अच्छे लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? प्लेनर। क्या लिखा जाता है? प्लेनर। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होना चाहिए कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन, या इसी को आप रेजोनेंस बोल सकते हैं। अगर कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन है तभी वो एरोमेटिक होगा। आप कंजुगेशन का मतलब ऐसे तो बहुत डिटेल मैंने क्लास में बताया था, लेकिन आपको चूंकि छोटे एग्जांपल में ही एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं सीधा बता देता हूँ। अल्टरनेशन चाहिए। क्या चाहिए? अल्टरनेशन। जैसे आप क्लास में MWF और TTS में आते हैं ना, सेम टू सेम। देखिए
पाई के बगल में अगर सिग्मा है, फिर एक पाई है, आपको पता होगा डबल बॉन्ड को पाई कहते हैं, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, अल्टरनेशन अगर है तो क्या कहलाएगा? कंजुगेशन। अगर मान लीजिए ऐसा रहता आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस सेट में अगर ऐसा रहता तो देखिए ये कुछ उस स्टूडेंट का हाल हो गया जो दो दिन पर एक दिन आते हैं, ठीक है, यानी कि एक दिन आए फिर दो दिन गायब, फिर एक दिन आए फिर दो दिन गायब, इस टाइप का है ये, इनका सीरीज नहीं चलता, इनका अपना एक सीरीज चलता है ना, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, अल्टरनेशन हुआ गया नहीं हुआ, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसको अल्टरनेशन कहते हैं, इसका मतलब कंजुगेशन होना चाहिए। और तीसरा सबसे 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 इंपॉर्टेंट, कंपाउंड को हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ये हकल्स रूल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में अलग से भी आ जाए, व्हाट इज हकल्स रूल एक्सप्लेन, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब ये हकल्स रूल क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्या लिख दिए सर आप, तो n का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो सकता है, अगर n का वैल्यू जीरो रख देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, n का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, n का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 × 8 = 10। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आगे बढ़ भी सकता है तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। आप जरा सा बेंजीन में चेक कीजिए, है ना, तीनों कंडीशन तो लागू हो गया, साइक्लिक था, प्लेनर था, कंजुगेशन है। अब इसमें पाई बॉन्ड गिनिए, पाई बॉन्ड, तो आपको पता होगा कि ये तीनों पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 2, और आपको पता होगा कि कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 × 2 यानी कि 6। अब ये देखिए क्या ये 6 इसमें आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये चारों कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रूफ कीजिए कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपको यही कंडीशंस लिखना है लेकिन बगल में बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, है ना, तो आपको सिर्फ कंडीशन नहीं लिखना है, बगल में बेंजीन भी बना के दिखा दीजिएगा, बेहतरीन आंसर, ठीक है, सिर्फ कंडीशंस के साथ साथ अप्लाई करके दिखाइएगा उसको, ठीक है। एग्जामिनर को कभी नहीं लगेगा कि आपने ये एग्जामिनेशन की कोई क्वेश्चंस को रटा है या किसी से चोरी किया है, आप ये समझ रहे हैं तभी आप बेंजीन का एग्जाम्पल दिए हैं, ये बात को प्रूफ करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा सजा के लिखिएगा, और मैंने PDF में वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, मतलब सॉरी ऐसे TQ का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे TQ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसे TQ का सेकंड क्वेश्चन है कुछ कंपाउंड को कन्वर्ट करने दे रहा है। ये भी इजी है, अगर आपने पढ़ा है क्लास में, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन का है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए। बेंजीन को अगर नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाना पड़ता है, और ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। दिस वन इज योर कैटलिस्ट, दिस वन इज योर रिएक्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब रिएक्शन कैसे हो जाता है, होता है जरा से देख लीजिए, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक ओ, H2O को बाहर निकाल दीजिए तो एक ओ यहां से, ये कैटलिस्ट है, याद रखिएगा, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। तो यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से एक ओ को हटा देंगे तो बचेगा क्या, NO2, इसको आप यहां लगा दीजिए, हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ये आपका था बेंजीन और ये था आपका नाइट्रोबेंजीन, कन्वर्जन कंप्लीट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, बेंजीन को ही कन्वर्ट करना है इस बार क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, ये आपका हो गया बेंजीन, इसको आप क्लोरीनेशन कर दिए, क्लोरीन से ही रिएक्शन करवा दिए, और ये रिएक्शन आपका AlCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता सूखा, ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब निर्जलीय, AlCl3 या फिर आप यहाँ पे FeCl3 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं। रिएक्शन बहुत सामान्य है, एक H और एक Cl को हटा दीजिए, एक HCl निकल जाएगा तो एक Cl बचेगा, उसको यहाँ लगा दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन, HCl बाहर, कितना आसान रिएक्शन था, ठीक है। देखिए क्लियर, तो ये हो गया आपका बेंजीन और ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है इसी में कन्वर्ट करने का, बेंजीन को आपको इथाइल बेंजीन में रिएक्शन कराना है, इसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं, और ये एक बार और आया है, इसी के बाद एक क्वेश्चन और है, इथाइल बेंजीन में रिएक्शन कराना है आपको, तो आपको इथाइल का फॉर्मूला पता होगा, C2H5Cl, आपको खाली यहाँ Cl ले लेना है, और सेम कैटलिस्ट ऊपर वाला ही लग जाएगा, ठीक है, ऊपर में जो लिखे हैं यही लिख जाएगा, रिएक्शन भी मिलता जुलता है, देखिए ना, HCl हटा दीजिए, अभी C2H5 को यहाँ लगा दीजिए, हो गया, बेंजीन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर दिए, C2H5HCl, ये हो गया आपका इथाइल
बेंजीन, और ये हो गया आपका बेंजीन। इसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, इसे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चंस हो गया, ये 3 मार्क्स का आपका SATQ का दूसरा था, है ना, 3 मार्क्स आपका, 2 क्वेश्चंस यहाँ से निकल गया। अब आते हैं हम लोग 3 मार्क्स का जो तीसरा क्वेश्चन है उस पे आते हैं। आप इसे चार्ट में नोट भी कर सकते हैं या फिर PDF से आप डाउनलोड करके याद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब लिखने का ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपको सीधे ही देख के याद ही कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हमको तीसरा क्वेश्चन, जरा देखते हैं SATQ का तीसरा। आपको 2 रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ये दोनों बहुत 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 एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका वुड्स रिएक्शन, क्या है आपका वुड्स रिएक्शन, और एक जस्ट मैंने भी बताया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, 2 चीज़ होता है, अल्काइलेशन पूछा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एग्जाम में आना बहुत ज़रूरी है, मतलब एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए, अल्काइल हैलाइड, इससे 2 क्वेश्चंस दिया है, एक आपका कंप्लीट द फॉलोइंग भी दिया हुआ है। ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्शन करवा देना है आपको सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ? सोडियम मेटल। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका 1 मोल नहीं, आपको 2 मोल लेना है। तो 2 काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, नहीं तो इसी को उल्टा करके ऐसे लिख दीजिए CH3Cl, यहाँ हो गया ClCH3, उल्टा करके ले दिया मैंने, इससे रिएक्शन लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। जब ये 2 है तो सोडियम को भी कितना रखना है, 2, और यहाँ ध्यान रखना है ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे? ड्राई ईथर। रिएक्शन कितना साधारण है ये स्ट्रिक्ट से देख सकते हैं आप। यहाँ से 2Na इस अल्काइल हैलाइड का Cl को निकाला और इस अल्काइल हैलाइड का भी Cl को निकाला, मतलब 2Na 2Cl को लेके निकल गया, और 2Na 2Cl को निकल जाएगा लेके, तो 2NaCl बाहर हो जाएगा और ये CH3CH3 आपस में जुड़ जाएगा, और CH3CH3 को ही बोलते हैं हम लोग इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाता है आपका वुड्स रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में आया तो सिर्फ रिएक्शन लेके नहीं छोड़ दीजिएगा, इसमें स्टेटमेंट होगा और आप ये लिखेगा व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन इज फॉर्म्ड विच हैज डबल द नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में अगर देखिए, आप जरा सा देखिए, अल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन है, 1, और यहाँ कितने कार्बन है, 2। अगर आप यहाँ 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेते तो ये 4 बनता, अगर आप 4 लेते तो ये 8 करता, यानी ये 1 का 2 करता है, जैसे फिर हेरा फेरी में जॉनी लीवर और वो जो अक्षय कुमार 1 का 2 करता था ना, डबल 21 दिन में पैसे डबल, तो ये भी डबल करता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 5 का 10, जितने अल्काइल हैलाइड में आप कार्बन लीजिएगा वो यहाँ डबल हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने 1 लिया तो 1 और भी तो ले लिया इसके साथ, और आपको लेना कंपलसरी यहाँ 1 नहीं 2 मोल चाहिए होता है, ठीक है। इसे ही वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन आसान है, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, स्टेटमेंट को लिख करके ये रिएक्शन को लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, ये बेंजीन है, इसको आपको CH3Cl, अगर आप चाहें तो C2H5Cl भी लिख सकते हैं, जो इसके पहले आपने लिखा था, कैटलिस्ट आपको याद हो गया होगा अभी तक, AlCl3 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। देखिए, नाम ही है अल्काइलेशन और इसको अल्काइल कहा जाता है, मिथाइल इथाइल इस सबको जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, अल्काइल। इस अल्काइल को बेंजीन पे उठा के रख दो, कहलाता है अल्काइलेशन। कैसा अल्काइलेशन? तो फ्रिडल क्राफ्ट केमिस्ट का नाम है जिन्होंने ये अल्काइलेशन कराया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस अल्काइल को बेंजीन पे लाना है, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ से H, यहाँ से Cl को हटा दीजिए, और HCl जब हट जाएगा आपका तो ये CH3 आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन से बन जाएगा टॉलीन, बेंजीन से क्या बन जाएगा, टॉलीन। ये क्वेश्चन 1 बार 5 मार्क्स में भी है, ठीक है, 2 बार आया है क्वेश्चन, तो बेंजीन को 3 बार एक्चुअली में आया है। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यही हो गया, ठीक है, हो गया। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में अल्काइलेशन के जगह एसाइलेशन लिखा रहता, क्या लिखा रहता, एसाइलेशन, तो एक चेंज यहां करना पड़ता, CH3 के जगह CH3COCH3 हो जाता, CH3COCl, ठीक है, और यहां भी हो जाता आपका COCH3, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, हिंट कर दिया, हो सकता है एसाइलेशन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। आप अल्काइलेशन प्रिपेयर करके गए, दे दिया एसाइलेशन, और दोनों में सिर्फ इतना अंतर है CH3Cl के जगह COCl और यहाँ भी COCH3, ठीक है। खैर, अभी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है, क्लियर। मैंने बता दिया हिंट में कि एसाइलेशन भी आपको दे सकता है। तो 3 मार्क्स का, और इसमें भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी अल्काइल ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, किसी अल्काइल ग्रुप का बेंजीन में इंट्रोडक्शन, मतलब उसको लाना किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, कहलाता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको हो गया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक।
अब आता है 3 मार्क्स का फोर्थ क्वेश्चन आपका, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का चौथा और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तीस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हैं। इससे फिर एक बात पता चलता है कि मे बी आपके एग्जामिनेशन में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इससे आ जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना 1, 3, 5, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए। 3 सेट में नहीं, 4, 3 सेट में दिया हुआ है, 1 सेट में डबल दिया हुआ है, यहाँ भी 1 नंबर का 1 सेट में डबल दिया है, तो मे बी 9 नंबर से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा है इस चैप्टर से, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन दे सकते हैं या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप जरा सोचिए। 3 नंबर के अगर 2 क्वेश्चन दे दिए गए इस चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर का अंदाजा लगा दीजिए 12 नंबर का चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सोचिए 12 नंबर का वेटेज कितना ज़्यादा होता है इस चैप्टर में। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि बताओ तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, या फिर पूछ रहा है कि नन एरोमेटिक है, आपको बता दिया है और बताना है कि ये क्यों नन एरोमेटिक है, ऐसा क्या बात है कि एरोमेटिक बेचारा नहीं हो पाया, ठीक है। तो देखिए 4 कंडीशन मैंने आपको बताया था, पहला क्या बताया था, साइक्लिक है। दूसरा मैंने आपको बताया था प्लेनर, आप जरा चेक कीजिए क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, अगर किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया ये प्लेनर नहीं होगा। आप जरा सा देखिए, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा, 1, 2, 3, 3 सिग्मा sp2 ये भी 1, 2, 3, 3 सिग्मा sp2, 1, 2, 3, 3 सिग्मा sp2, 1, 2, 3, 3 सिग्मा sp2। अब जरा यहाँ देखिए तो ये कार्बन देखिए तो कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और जहाँ ये sp3 हो गया इसका मतलब ये प्लेनर नहीं है, और अगर ये प्लेनर नहीं है तो क्या ये एरोमेटिक होगा, नहीं एरोमेटिक होगा, इट इज़ नॉट एरोमेटिक, इसी को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ऐसे आप चाहें तो तीसरा रीजन भी लिख सकते हैं कि इसमें कंजुगेशन नहीं है, देखिए वही वाला स्टूडेंट का हिसाब किताब हो गया, डबल पाई सिग्मा सिग्मा पाई, 2 सिग्मा लगातार आ गया, और कभी भी 2 सिग्मा आता है तो कंजुगेशन भी नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे कंजुगेशन भी नहीं है, आपको ऐसे तीसरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, आप प्लेनर ही नहीं है तो आप तीसरा क्यों चेक कर रहे हैं। फिर भी एग्जाम में आप, मैंने जो आंसर लिखाया है उसमें आप, मैंने दोनों इंट्रोड्यूस कर दिया दोनों पॉइंट, ताकि आपका थोड़ा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम इसका एक आंसर क्या लिखा है, द गिवन कंपाउंड इज नॉट प्लेनर सिंस वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन प्लेनर नहीं है क्योंकि ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3, एट द सेम टाइम इट डज नॉट हैव कंजुगेशन, और इसमें कंजुगेशन भी नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तो ये हो गया SATQ का आपका, अब आता है आपका LATQ, लेकिन मैं LATQ आज आपको अभी, मैं इसके बाद वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, लेंदी ना हो जाए फिर आपको बोर लगेगा, इतना देखिए फिर सेकंड लेक्चर में दे रहा हूँ, ठीक है, और देख करके PDF को रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। LATQ वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।